आखिर
मुसलमानों सोचो तो सही, इतना बड़ा इंकलाब कैसे बर्पा हो गया। जब इस सवाल ने मेरे जहन में गर्दिश की और मैं परेशान का शिकार हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे जहन में यह आयत डाली, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, के जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। मैंने कहा मुश्किल का हल हो गया, जब तक मुसलमान नबी के तरीके पर था तो कामयाब था, जब तक मुसलमान सहाबा की तबा करता रहा तो हिदायत पर गामजन था, जब तक मुसलमान कुरान और सुन्नत की रोशनी में फैसले सुनाता रहा दुनिया इसके फैसले को मानती रही, जब तक मुसलमान ने नबी के तरीके को नहीं छोड़ा दुनिया कोई सुपर ताकत इसका मुकाबला न कर सकी। यही वो वजह थी कि अगर वो मरे भी तो कामयाबी की मौत मरे। और आज जबकि मुसलमान नबी के तरीके को छोड़ बैठा, सहाबा की तबा को हबीब समझा, कुरान और सुन्नत के फैसले को नहीं माना, तो बदलाव ये जिद्दत के दायरेदार में नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी, ये वो भला नहीं होगी तो क्या होगी। गयूर नौजवानों आप इस सर से लिखे जाने के काबिल और मीजान अदल में तोले जाने के लायक है ये बात कि जितनी भी रुसूम और बिदात में आज जन्म ले रखा है, जितनी भी परेशानी आज माशरे के अंदर पैदा हो गई है, इन सब की वजह आका मदनी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीके से एराज करने की वजह से है। ये अगर आज मुसलमान परेशान हुआ तो सुन्नत पर अमल न करने की बिना से परेशान हुआ, आका मदनी के तरीके से एराज करने की वजह से परेशान हुआ, अगर मुसलमान मकरूज हुआ तो सुन्नत पर अमल न करने की बिना पर मकरूज हुआ, अगर मुसलमान पर आज गैर कौम मुसल्लत हुई तो सहाबा की राह से रोगर्दानी की वजह से मुसल्लत हुई, अगर मुसलमान हालात हाजिरा में मिसाइल और गोलियों का निशाना बनाया गया तो आकाए मदनी के तरीके आकाए मदनी की सुन्नत जिहाद को छोड़ देने की वजह से बनाया गया। अगर मुसलमान वो नहीं जिसको हालात बदल दे, मुसलमान वो हुआ करता है जो खुद हालात को बदल दे। किरदार से बनाइए मैयार जिंदगी, किरदार से बनाइए मैयार जिंदगी, माहौल से ख्याल का सौदा न कीजिए। आज गैर कौमें तरक्की पर है, आज गैर कौमें तरक्की पर क्यों ना हो जबकि वो आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनाती जा रही है, उन्होंने हर हर सुन्नत को अपनी जिंदगी का नसबुल ऐन बना लिया है। बड़े बड़े साइंस का सुन्नत के फवाइदे कसीरा को देखकर ईमान लाने पर मजबूर हो रहे हैं। अरे मुसलमानों हमें तो राहत और आराम से फुर्सत नहीं, वरना मुताला करके देखिए जदीद साइंस और सुन्नत नबवी जैसी किताबों का हमें सैकड़ों वाकयात ऐसे मिलेंगे। वो दुश्मन ने इस्लाम यहूद और नसारा कितनी तेजी के साथ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम वस्सलाम की सुन्नतों को अपनी जिंदगी में अपनाते जा रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने बैतुल खला में जाने की सुन्नत को भी नहीं छोड़ा। मैं ज्यादा तफसील में जाना नहीं चाहता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम वस्सलाम ने फरमाया अलहिमु शवारिब वाफुलुहा, ये पूछो को तशद्दुद तराशो और दाढ़ियों को बढ़ाओ। मुसलमानों ने इसका उल्टा करना शुरू कर दिया। उस आका ने फरमाया था अफशु सलाम, सलाम को रिवाज दो, मुसलमान इसको छोड़ बैठा। आका ने फरमाया था फतकु दुनिया, दुनिया से बचो। आप मुसलमान आज दुनिया के पीछे पड़ा हुआ है और मुसलमानों आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से एराज करने वालों तुम हुब्बे नबवी का तरीके से एराज करके हुब्बे नबवी का दावा करते हो, आका का निकलने वाले का एक फरमान को सुनते जाओ। आका ने फरमाया मन रगिब अन सुन्नती फलैस मिन्नी, के जिसने मेरी सुन जो मेरी सुन्नत को छोड़ बैठा उससे कह दो कि वो मेरी उम्मत की फहरिस्त निकल जाए, चाहे जहां जाए यहूदी बन जाए नसरानी बन जाए। मैंने आका से पूछा आका आपका आशिक कौन है, आका आपसे प्यार कौन करता है। मुसलमानों सिर्फ दाढ़ी ही रखने वाला नबी का आशिक नहीं हुआ करता। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अहब्ब सुन्नती फकद अहब्बनी, जो मेरी सुन्नतों से प्यार करता है वो मेरा आशिक है। दाढ़ी का रखना मुसलमानों दाढ़ी का रखना आका की सुन्नत है, मूंछा को तराशना महबूबे की बिरिया की सुन्नत है, अस्सलामु अलैकुम कहना रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अरे मुसलमानों नबी ने मादर रहम से लेकर रहम तक के तमाम से आदाब जिंदगी बताए हैं, मुझे नबी की सुन्नत याद है। अगर मानोगे तो जहन्नम से आजाद है वरना आखिरत बर्बाद है। एक आशिक सादिक नबी का सोहबत याफ्ता सहाबी जिनकी दाढ़ी का सिर्फ एक बाल मौजूद था,
एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसता हुआ देखकर दिल में ये ख्याल किया, ये सोचने लगे कि शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी इस दाढ़ी के एक बाल को देखकर हंस रहे हैं। फौरन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह से ओझल होकर उस दाढ़ी के बाल को तोड़ डाला। दोबारा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब नजरें मुबारक उस दाढ़ी के बाल पर पड़ी और वह दाढ़ी का बाल वहां मौजूद न पाया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर का रंग मुतग़य्यर होने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस सहाबी रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चेहरा फेर लिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सहाबी ने दोबारा आगे बढ़कर के फरमाया, अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह। अल्लाह के नबी ने कोई जवाब ना दिया, सलाम का जवाब ना दिया, बल्कि चेहरे को फेर लिया। वो सहाबी फौरन समझ गए, फौरन हवास पाख्ता हो गए, फौरन परेशानी कायम हो गई के महबूबे बारी नाराज हो गए। अगर इसी तरह से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाराज रहे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ओ दाढ़ियों पर उस तरह फिरवाने वालों, ओ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने को जख्मी करने वालों, नबी का और सहाबा का रद्द अमल देखो। अल्लाह उन सहाबी ने फौरन ये कसम खा ली कि रब काबा की कसम, जब तक वो दाढ़ी का बाल उतना बड़ा ना हो जाएगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर नहीं होगा। एक मुद्दत तक जंगल में फिरते रहे, रोते रहे, ना अपने घर गए, ना अपने घर गए, ना अल्लाह के नबी की खिदमत में गए। जब दाढ़ी का वो बाल उतना ही बड़ा हो गया तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में हाजिरी दी। हर हर शख्स अपने निजामे हयात की तरफ नजर सानी करे, अपना मुहासबा करे। अगर वो आदतें, वो हालात दज्जाली और शैतानी नजर आए तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निज़ामे हयात की तरफ लौट आए। सिर्फ एक दाढ़ी ही रखने का मसला नहीं, बल्कि जिंदगी के हर हर जुज में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका उतर जाना चाहिए। ज़ौक रख सुन्नते गिरामी से, ज़ौक रख सुन्नते गिरामी से, है शर्फ आपकी गुलामी से। ज़ौक रख सुन्नते गिरामी से, है शर्फ आपकी गुलामी से, जो ताबे रसूल नहीं लाख इबादत करे कबूल। मुसलमानों, आज से पहले लोग हमारी सच्चाई और अदल इंसाफ की मिसालें दिया करते थे। जब हिंदुस्तान अंग्रेज के नापाक साए से पाक हुआ था तो उस वक्त हिंदुस्तानी आपस में लड़ने लगे तो उस वक्त महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ऐ हिंदुस्तानियों, कौमी और मजहबी लड़ाई बंद करो और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जैसा अदल इंसाफ कायम करो। उस वक्त हिंदुओं ने एतराज़ किया था कि किसका नाम ले रहे हो, तो गांधी जी ने फरमाया था कि ऐ हिंदुओं के हित, जब तुम लोगों में ये मिसाल नहीं मिलती तो मैं क्या करूंगा। मगर अफसोस, सद अफसोस, मुसलमान इतना गिर गया, इतना गिर गया कि वो यहूदी और नसारा जो कल तक अपने फैसले और अपने मुकदमे मुसलमानों की अदालत में हल कराया करते थे, आज झूठ और बुरे कामों में मुसलमान तेरी वो मिसाल पेश किया करते हैं। इस्लाम के नोश गुस्ता खोलो। इंग्लैंड का एक वाकया है। एक मुलाजिम मुलाजमत करने के लिए इंग्लैंड गया और जाने के बाद उसने वहाँ कारखाने के मालिक से ये कहा कि जितनी भी रकम मैं महाना कमाऊंगा, खर्च करने के बाद जो बचेगी वो मैं आपके पास जमा कर दिया, यानी अमानत रखूंगा आपके पास, और जब वतन वापसी का इरादा होगा तो आपसे ये पैसे वसूल कर लिया करूंगा। उसने कहा बहुत अच्छे अच्छे। अब एक मुद्दत तक वो बेचारा पैसे जमा करता रहा उस मालिक के पास। जब उसका वतन को वापसी का इरादा हुआ तो उसने उन पैसों का सवाल उस कारखाने के मालिक से किया तो मालिक कहने लगा कि मेरे पास में तुम्हारे कोई पैसे नहीं है। और वो मजीद ये और कहा कि तू मुझ पर इल्ज़ाम तराशी कर रहा है, और ये कहकर के उसको भगा दिया। अब वो बड़ा परेशान हुआ, रोता फिरता रहा। उसने दुनिया की अदालतों के से सहारा लेना चाहा, लेकिन कहाँ कोई इंसाफ दिलाने वाला। उसके दोस्तों अहबाब ने भी उसका साथ न दिया।
उन सब के सब इस शान और इस्लाम बन गए। सिया बख्ती में कौन किसी का साथ देता है, सिया बख्ती में कौन किसी का साथ देता है, तारीकी में साया भी साथ छोड़ देता है। एक शख्स ने उस मुलाजिम को ये मशवरा दिया कि फला मंदिर में चले जाओ और वहाँ गुरुजी मिलेंगे, उनको जाकर के अपनी रुदाद और फरियाद सुना देना, शायद वो आपकी इस परेशानी का हल निकाल दे। उस शख्स ने जाकर के मंदिर में पंडित जी को अपनी रुदाद और फरियाद तमाम बातें बतलाई और बतलाने के बाद में पंडित जी ने उसको एक पर्ची को कुछ लिख करके उसके हवाले कर दिया और कहा कि जा करके उस कारखाने के मालिक को ये पर्ची दे करके अपने पैसों का फिर दोबारा सवाल कर लिया। उसने ऐसा ही किया। जो ही उसके हाथ में वो पर्ची पहुंची कारखाने के मालिक ने उसने उसको पढ़ा, उसने फौरन पैसे निकाल करके उसको दे दिए। अब वो मुलाजिम बड़ा परेशान हुआ, कहने लगा कि नहीं, कारखाने के मालिक से कहा कि जनाब आप तो अभी तक ये कह रहे थे कि तुम्हारे कोई पैसे मेरे पास नहीं है और इस पर्ची में ऐसा क्या लिखा है जो आपने फौरन पैसे निकाल करके मुझे वापस कर दिए। तो उसने कहा कि भाई इस पर्ची में कुछ किस तरह लिखा हुआ है कि ए फलां तू कब से मुसलमान हो गया, किसी का पैसा लेकर के रख लेना तो मुसलमान किया करता है, लगता है कि तू भी मुसलमान हो। मुसलमानों सोचो आज हम तनज्जुली के किस दर्जे पर पहुंच चुके हैं। किसी ने हमारी हालत पर अफसोस करते हुए कहा है कि मुसलमानों क्या से क्या हो गए तुम, मुसलमानों क्या से क्या हो गए तुम, अभी जागे थे अभी सो गए। जब इन बातों की तरफ तवज्जो करते हैं ये सब क्यों हो रहा है तो मालूम होता है कि ये सब इस वजह से हो रहा है कि मुसलमानों को आज कब्र खौफ कब्र और अल्लाह के दरबार में हाजिरी का यकीन नहीं रहा। जब कयामत के दिन जहन्नम की वजह से हम लोगों को प्यास लगेगी और प्यास की वजह से हमारी ज़बानें सीनों पर आ लटकेंगी और हम पानी पानी पुकारेंगे, उस वक्त हम हौज़े कौसर पर शाफिए कौशर, हम हौज़े कौसर पर मालिक कौसर शाफिए महशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर उनकी तरफ दौड़ेंगे और पानी तलब करेंगे। अगर उस वक्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चेहरा फेर लिया और ये कह दिया कि ये मेरे मुत्तबईन में से नहीं, तो बदलाव हम लोगों को उस वक्त फरिश्तों की मार से कौन बचा सकेगा। मुसलमानों ये सब जितनी भी बीमारियां आज माशरे के अंदर फैल रही है ये सब की सब आखरत का खौफ और मौत का मौत को याद न रखना है। वरना सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की जिंदगियों को देखो कितनी राहत और आराम के साथ गुजरती हुई नजर आ रही है। वजह क्या थी? वजह सिर्फ ये थी कि आका मदनी ने उनकी तरबियत की थी और उनके दिल पर हर वक्त खौफ खुदा और आखरत का खौफ तारी रही पड़ी थी। वो अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु, वो उमर रजी अल्लाह अन्हु जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया में जन्नत की बशारत सुना दी हो, वो अबू बकर जो हरदम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिफाकत में रहने वाला हो, हजर में आपके साथ, सफर में आपके साथ, वो जात जो के रात में आपके साथ थी, लहद में आपके पास है, कयामत के दिन आपके पास होगी, कौसर पर आपके पास होगी, वो जात जिसकी अताअत जिसको अल्लाह ने अपने नबी के साथ पुकारा हो, वो जात जिसको अल्लाह के नबी अलैहि सलाम सलाम ने सिद्दीक का लक़ब दिया हो, उस ज़ात का ये आलम था कि घास का तिनका उठाकर ये दुआ किया करते थे कि ऐ काश मैं ये तिनका होता, ऐ काश मैं किसी मोमिन के बदन का बाल होता, ऐ काश मेरी वालदा ने मुझे जना ही ना होता। उमर पैगंबर की दुआ है, फारूक इंतखाब खुदा है, हुजूर ने अल्लाह को इख्तियार दिया कि ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, कहता है आपका कलाम कर दे मुझे खुशमान, मेरी गोद को मालामाल, या तो उमर को कलमा पढ़ा दे या अबू जहल को कलमा पढ़ा दे। अल्लाह ने फरमाया ऐ नबी दुआ करना आपका काम है, दुआ कबूल करके वफा करना मेरा काम है, मैं अबू जहल को कुत्ते की मौत मारूंगा, उसे जिंदीद बनाऊंगा और उमर को तेरा वजीर और मुशीर बनाऊंगा, तेरा जनरल बनाऊंगा, उसे तेरा खलीफा सारी बनाऊंगा। वो उमर जिसकी तारीफ अल्लाह ने की हो, वो उमर जिसकी राय कुरान के मुताबिक हो, वो उमर जिसके नाम से शैतान भागता हो, मेरे दिल
منبر نے، میرے سرور نے شافعی محشر میں فرمایا، فاروق جس گلی جس راستے پر چلتا ہے شیطان کی ماں بن جاتی ہے، وہ گلی وہ راستہ شیطان چھوڑ دیتا ہے۔ بلکہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ عمر کا نام دل پر تین مرتبہ لکھ کر سو جاؤ، یعنی شہادت کی انگلی سے دل پر تین دفعہ لکھ کر قبلہ ہو ماں وضو خدا کے رو برو لگا کر خوشبو اگر سو جاؤ تو عمر کے نام کا اثر آج بھی باقی ہے، اور عمر کا روڈ آج بھی باقی ہے، برا خواب نہیں آئے گا۔ اور اس عمر کی یہ حالت تھی کہ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جو رازدار نبی ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں راز کی باتیں بتائی تھی۔ ایک روز حضرت عمر ان کے پاس روتے ہوئے آئے، جب حضرت حذیفہ نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تو فوراً ہوش اڑ گئے کہ آخر کیا وجہ ہے، وہ عمر جو کبھی بڑی بڑی مصیبتوں میں گھر کر کے بنا رویا ہو آج کیوں رو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عاجزی کے ساتھ پوچھا کہ اے حذیفہ، آپ رازدار نبی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھے تمام منافقین کے نام بتلا دو، لیکن میں صرف اتنی گزارش کرتا ہوں کہ مجھے یہ بتلا دو کہ عمر کا نام تو کہیں ان منافقین کی فہرست میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیسا خوف خدا تھا، کیسی بے نفسی تھی اس آدھی دنیا پر حکمرانی کرنے والے۔ آج مسلمانوں، اگر ہم ترقی چاہتے ہیں تو صحابہ کے نقش قدم پر ہمیں گامزن ہونا ہوگا، قرآن و سنت پر کا پابند ہونا ہوگا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے۔ الہی آج منو صدیق سا ایمان پیدا کر دے، عمر فاروق سا جری انسان پیدا کر دے۔ آمین کہہ لو۔ عمر فاروق سا جری انسان پیدا کر دے، جہاں سے خون و حیا وہاں عثمان پیدا کر دے، علی مرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر دے۔ وآخر دعوانا